सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूले से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जी हाँ, ये कोई कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो कि एक दंपत्ति को सच बोलना काफी महंगा पड़ रहा है, जो कि भाजपा MLC घनश्याम ठाकुर के पुत्रों ने जान से मारने की धमकियां दी है उसमें भी इस दंपत्ति के घर पर आकर धमकियां दी जा रही है। इन दंपत्ति का सिर्फ इतनी ही गलती है कि वे सच बोलते हैं और इसके सामने ही एक जमीन मालिक भाजपा MLC के हाथों अपना जमीन बेचा था। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत अरेर थाना इलाके के परजुआर पंचायत स्थित रामनगर गांव का रामचंद्र चौधरी की जमीन निलंबन मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब उस मामले में गवाही देने वालों को घर पर जाकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। आपको बताते चले कि ये भुवनेश्वर कामत हैं और इनके घर पर ही आकर भाजपा विधान परिषद सदस्य के सुपुत्र लोग धमकाते हैं कि सच्चाई बोलोगे तो इसका बुरा अंजाम होगा। जब से भाजपा विधान परिषद सदस्य के सुपुत्र लोग धमकियां देकर आए हैं तब से यह दंपति अपने पूरे परिवार के साथ दहशत में जी रहा है। इन धमकियों का खुलासा तब हो पाया जब संवाददाता से इस पीड़ित दंपति ने शिकायत की और अपनी सारी आपबीती सुनाई। उधर जब रामनगर गांव के जमीन मालिक रामचंद्र चौधरी की जमीन निबंधन के बाद बाकी की रकम मांगने के लिए गया तो उसने अपमानित किया और फिर बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया। उसके बाद रामचंद्र चौधरी ने अपने दिलो दिमाग में भाजपा MLC से बदला लेने का ठान लिया क्योंकि इन्होंने विधान परिषद अध्यक्ष से शिकायत की थी लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई और जाँच नहीं की गयी। यही सब बातें उन्होंने मीडिया को बताया। जमीन बेचा रामचंद्र चौधरी, पढ़ाई कट्ठा और उसमें सर हमने गवाही दिया है, जो हमारे सामने में जो बातचीत था अढ़ाई कट्ठा का वो गवाही हमने दिया है। इसके कारण सर उनका असेंबली साहब श्री घनश्याम ठाकुर का पुत्र बड़ा 28 तारीख को शाम में हमारे भाई साहब का दुकान है पान का, उस दुकान पर आया और पूरा चिल्ला चिल्ला करके और बोलता है कि मैं गोली मार दूँगा अगर उसको संग रामचंद्र चौधरी के संग में रहेगा तो हम गोली मार देंगे, जेल में फंसा देंगे, मेरे संग में दो दो ठो गार्ड रहता है, मैं जभी भी जो इच्छा है सो कर सकता हूँ, नहीं तो उसको संग छोड़ दे। अब इस कारण सर मेरा पूरा फैमिली दहशत में है और मेरे को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें नहीं करें। मैं कानून से सर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे फैमिली को पूरे फैमिली को चाहे सो कानून इस चीज़ को चाहे सेपरेट कुछ व्यवस्था करे, हम लोग बहुत भयभीत हैं और मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ सर, गाँव में खुलेआम घूर नहीं सकता हूँ, इतना दहशत फैलाता है। बड़ा लड़का तो बड़ा लड़का, छोटा लड़का भी उनका जो है सो यही काम करता है। कल रात में सर हम नहीं थे, 10 बजे रात में हमारे यहाँ आया और हम नहीं था सर घर पर और बोल रहा था कि अगर कल से हमने देख लिया उसको उसके संग रामचंद्र को संग तो कुछ भी हो सकता है। अब इस बात से सर हमारा पूरा फैमिली सर डर से हमको कहीं जाने नहीं देता है और नहीं जाने देने का कारण हम तो सर नौकरी करने वाले आदमी हैं, हम मजदूरी करते हैं इसी गांव में, हम मजदूरी भी करते हैं सर और कहीं नहीं निकलते हैं। आज 4 दिन 5 दिन से हम कहीं नहीं जाते हैं सर, अब हमको समझ नहीं आता है। मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जान मान को, मेरे जान को, मेरे फैमिली को सुरक्षा कानून प्रदान किया जाए। मैं सदा आभारी रहूँगा सरकार का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर कामत है सर। भुवनेश्वर चौधरी जो है सर यहीं का रहने वाला है, हम लोग एक ही जगह रहते हैं तो उन्हीं के सामने ज़मीन का बात हुआ था, तो इतने 2.5 कट्ठा ज़मीन का 40,000 रुपये कट्ठा, ठीक है, तो उन्हीं के सामने बात हुआ तो सच बात जो बताते हैं ना, तो कल सुनने में आया कि उनके यहाँ भक्तोष कुमार ठाकुर, आशुतोष कुमार ठाकुर पहले घनश्याम का बेटा, सुनने में आया है जो पिस्तौल लेकर आया था 9 बजे रात में, उनको परिवार को मूर्ख परिवार है उसको धमकी उमकी दे के दिया तो हम लोग को फोन गया तो हम लोग आए तब तक तो निकल गया था। इनका परिवार में देखा तो सब रोना पीटा कर रहा है, हमको पूछा क्या हुआ तो बोला ये ऐसे ऐसे धमकी देने आए थे जो बोला जिसका साथ छोड़ दो नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे, नहीं तो केस में फंसा दूंगा, तो हमको मत बोलिएगा कुछ। फिर पता लगा जो उससे पहले उसका छोटा बेटा आशुतोष एक है, वो आता है चाय का दुकान, पान का दुकान है एक वहाँ पर, बीड़ी सिगरेट का दुकान है कटघड़ा, वहाँ पर बोल करके जाता है जो इसको संभाल लो, इसको इसके साथ से छुड़ा दो, हाँ नहीं तो मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। देखिए वो गरीब आदमी है, सच बात बता रहा है, उसके लिए उनको लड़का जाके धमकी दे रहा है, पिस्तौल दिखा रहा है, ये सब बात ठीक है बताइए? वो बोल रहा है जान माल का खतरा है उसका, तो प्रशासन से यही गुहार है, ये एक ही तो मेरा गवाह है चश्मदीद गवाह, उसको भी धमकी मिल रहा है, तो इसके लिए प्रशासन से और नीतीश बाबू, खास नीतीश बाबू से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ जे इस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान दे करके निष्पक्ष जांच करा करके और
इसका निर्णय किया जाए। यदि मैं दोषी हूँ तो मेरे को सजा दिया जाए, नहीं तो जो दोषी है जिस उसके सब कुछ का मेरे पास प्रूफ है सर, गवाह है, वो गवाह ले गए थे बेनीपट्टी, वो भी गवाह हैं, किनके सामने सिग्नेचर किए वो भी गवाह हैं, उसके बाद में ये बोल रहे हैं जो मीडिया में जो हम मतलब कोई बात ही नहीं है, उसका भी रिकॉर्डर है, उनका घर वाले एक हफ्ता का टाइम ले रहा है, उसका भी रिकॉर्डिंग है, उसका लड़का भी, सारा रिकॉर्डिंग सारा सबूत है मेरे पास, फिर भी मैं यहाँ से लेकर पटना तक MLC साहब MLC का जो प्रमुख होता है उनको भी लेटर लिखा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आना, कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है, ठीक है, हम लोग तो दहशत में हैं, वो तो पावर में है, कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे मैं गोली मार दो, बोलेंगे झूठ मूठ का बोले कत्ता निकालने आया था, मैं गोली मरवा दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है, सारे मूर्ख आदमी से जब वो बेचारी फ़ोन करता है तब आता हूँ तो देखता हूँ उसके घर में पूरा एकदम सन्नाटा है, रो रहा है, हाँ, तो प्रशासन से और ख़ास नीतीश बाबू से और MLC जो सचिव हैं उनसे प्रार्थना हाथ जोड़कर इस मैटर पे थोड़ा सा इसका इंक्वायरी यदि इधर से ना हो तो CBI इंक्वायरी करके इसको जाँच बिठा करके जाँच कर करके पूरा समाज को पूछ करके, हमें नहीं पूरा समाज में अगल बगल में जो है बहुत कुछ है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, अगल बगल में CBI अपना जांच करके जाए, यदि हम दोषी पाए जाएंगे तो हमें जो भी सजा किया मैं फांसी सजा लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा मंजूर है, बस नीतीश बाबू एक निष्पक्ष जाँच करवा दीजिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के मुझे रिक्वेस्ट है। मधुबनी से स्वदेशवाणी के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।